तो बिकमपुर वासियों, आज मुझे थोड़ा बड़ा बैड फील हो रहा है। बैड फील इसलिए हो रहा है कि मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो न्यूज़पेपर में मैं देख रहा हूँ बज्जू को दोनों चीज़ मिल गई, एक तो पंचायत समिति मिल गई और एक महाविद्यालय मिल गया। लेकिन बिकमपुर में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो उसको एक यहाँ पर चीज़ होनी चाहिए, या तो आप हमें पंचायत समिति दे दो और या आप हमें महाविद्यालय दे दो, दोनों में से एक चीज़ आपको बिकमपुर ट्रांसफ़र करनी होगी, दोनों चीज़ वहाँ पर नहीं हो सकती। ये मेरी आपत्ति है। मैं पवन कुमार चांडक बिकमपुर से बोल रहा हूँ, और जो भी मेरे को सुन रहा है, और मैं तो बिकमपुर वासियों से भी कहता हूँ, आप इकट्ठा हो और आप एक चीज़ लो यार, अपनी जो ये IGNP की बिल्डिंग है, ऑफिस है, वो वहाँ पे इजीली या तो आप पंचायत समिति बना सकते हो या आप कॉलेज बना सकते हो, दोनों बना सकते हो। अपने पास बिल्डिंग है, बिकमपुर में जितनी बिल्डिंग है ना उतनी आसपास के गाँव में कहीं पर भी नहीं है। और ये सब कमाल है वर्ल्ड फूड बैंक का, और ये जो वर्ल्ड के होते हैं ना यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का, इनका पूरा उसमें योगदान रहा है। तो वर्ल्ड फूड बैंक था, उसने ऐसी बिल्डिंगें यहाँ पे बना दी है जो अब वापस बन ही नहीं सकती, और उनकी जो क्वालिटी है वो भी ज़बरदस्त है। तो अपनी जो ये है, क्या बोलते हैं ये है ना, अपनी IGNP की बिल्डिंग ऑफिस, वहाँ पे मेरी एक बार जो उनके IN है, JN, XN है, जो भी उनके डिपार्टमेंट के, तो उनसे भी एक बार बात हुई थी, तो वो कह रहा है कि या तो यहाँ पे आप कॉलेज बना सकते हो, इस बिल्डिंग को यूज़ कर सकते हो, और या आप यहाँ पे पंचायत समिति बना सकते हो। तो दोनों में से आप एक चीज़ तो लो, थोड़ा तो स्ट्रगल करो, थोड़ी आपत्ति दर्ज कराओ यार, थोड़ा आप जाओ ये SDM के पास जाओ, या आप क्या बोलते हैं ना कलेक्टर ऑफिस जाओ, कुछ तो बोलो यार, एक चीज़ तो लो कम से कम, या तो यहाँ पे पंचायत समिति बनाओ भाई, और या फिर यहाँ पे अपने क्या बोलते हैं कॉलेज बनाओ, दो में से एक चीज़ दे दो। हम ये नहीं कह रहे कि दोनों चीज़ हमें चाहिए, हमें एक चीज़ चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ बिकमपुर में वो चीज़ सक्सेसफुल है, क्योंकि बिकमपुर के पास से भारतमाला प्रोजेक्ट निकल रहा है, वो ना तो बज्जू से निकल रहा है ना नाचना से निकल रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट यानी कि खाजूवाला से लेके बाप तक 900 करोड़ की सड़क आ रही है, 9 अरब की, मेरे हिसाब से ये फिगर, ये डाटा बहुत बड़े होंगे। तो बिकमपुर को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, और थोड़ा स्ट्रगल करो यार। किराए का कितना लगेगा, 500,000 किराए का लगेगा। कल आप लोग इकट्ठा हो, एक रिपोर्ट बना के दो, मैं मीडिया में देता हूँ, पत्रिका में देता हूँ, भास्कर में देता हूँ, ETV में देता हूँ, और थोड़ी आपत्ति दर्ज करो, तब जाके लोग आपकी सुनेंगे। थोड़ा विरोध प्रदर्शन करो यार, एक तो अपने को मिलना चाहिए ना, या तो आप यहाँ पे कॉलेज बना सकते हो, और या आप यहाँ पे आप ये क्या बोलते हैं पंचायत समिति बना सकते हो, दोनों में से एक चीज़ बना सकते हो, और दोनों चाहिए तो दोनों के लिए स्ट्रगल करो, लेकिन कुछ करो भाई, चुपचाप बैठो मत, घरों में दुबके हुए बैठो मत, टाइम निकालो इन सब चीज़ों के लिए। और कलेक्टर ऑफिस भी आप लोग फ़ोन करो, सारे लोग, और SDM को भी फ़ोन करो भाई, एक तो हमें मिलना चाहिए ना, कॉलेज बनाओ या एक पंचायत समिति बनाओ, दोनों में से एक बनाओ। तो मेरा यही कहना है बिकमपुर वासियों से, थोड़ा स्ट्रगल करो भाई, थोड़ा संघर्ष करो, बैठे बैठे पार नहीं पड़ने वाली। अब अपने को या तो एक कॉलेज मिलना चाहिए या पंचायत समिति यहाँ मिलनी चाहिए, और बिकमपुर में कैपेबिलिटी है, बिकमपुर में कैपेसिटी है, बिकमपुर के पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है। कॉलेज के लिए ना तो नई बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत है, और पंचायत समिति के लिए भी नई बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों के लिए आपको गवर्नमेंट को 1% खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बिल्डिंग है उसमें थोड़ा बहुत 5-10% मेंटेनेंस करके उस बिल्डिंग को तैयार करके आप यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे ऑलरेडी IGNP के क्वार्टर बने हुए हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मेरा यही डिमांड है कि या तो बिकमपुर को पंचायत समिति बनाई जाए, या फिर बिकमपुर में कॉलेज दिया जाए, एक चीज़ बिकमपुर में दी जाए। और वहाँ पर आप ज़मीन खरीदोगे, बिल्डिंग बनाओगे, कितना खर्च आएगा बिना मतलब का, और कोई बिकमपुर ज़्यादा दूर थोड़ी है बज्जू से। तो वो चीज़ है भाई, कुछ ना कुछ आप यहाँ पे दो, और कुछ ना कुछ आप यहाँ पे बनाओ। और मेरा बिकमपुर वासियों से यही निवेदन है कि वो थोड़ा इसके लिए संघर्ष करें। जय हिंद, जय भारत।